देश का किसान कर्ज लेता है 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है, और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नीयत क्या है। मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे। आज किसान खेती के हर सामान पर GST दे रहा है, इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही है। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं, देश के एयरपोर्ट दे रखे हैं, सब कुछ, सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूँ ऐसे किसानों के घरों में, यूपी में ललितपुर में एक किसान के घर गई थी, बेटी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पिता ने 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर ली। खड़े हुए थे लाइन में खाद लेने के लिए कि खाद मिल जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। 3 दिन खड़े रहे वितरण केंद्र के बाहर, सरकारी वितरण केंद्र भी नहीं था, प्राइवेट था, क्योंकि सरकारी वाला बंद हो चुका था। खड़े रहे, घर नहीं आई, बेटी कहती रही पानी पी लो, कुछ खा लो, नहीं अगर मैं लाइन छोड़ूंगा मुझे खाद नहीं मिलेगी। घर आते हैं कुछ नहीं मिला, घर आते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे एक किसान लाइन में ही मर जाते हैं। 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए, और मोदी जी के खरबपति मित्र, उनके लिए मोदी जी ने 16,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 16,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज उनका माफ, और किसानों के लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं किया। कैसी सरकार चल रही है देश में, अपने आप से पूछो। कोई ये नहीं कहता कि उद्योगपतियों को आगे मत बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए, रोजगार मिलेगा, चलो आगे बढ़े, लेकिन कभी पहले इस पूरे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 5-6 उद्योगपतियों को सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी है? देश के बैंक, देश का पैसा, 16,00,000 करोड़ रुपए उनको माफ। 15,000 करोड़ का गन्ने का बकाया होता था यूपी के किसानों का, कोविड से पहले ही 15,000 करोड़, इनको आपने 16,00,000 करोड़ माफ कर दिए। 15,000 करोड़ का जो गन्ने का बकाया था वो भी नहीं दिया, उसके बजाय 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने नए संसद को बनाने में लगा दिए, जबकि अच्छा खासा संसद था। तो सोचिए सरकार सोच क्या रही है, इसकी नीयत क्या है, किसके लिए चल रही है? इस देश के गरीब के लिए चल रही है? इस देश के मिडिल क्लास के लिए चल रही है? इस देश के अधिकारी के लिए चल रही है जो पेंशन मांग मांग के मांग मांग के थक गया? कांग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां आज OPS लागू है, भाजपा की सरकारों में लागू ही नहीं है। अधिकारी घबरा रहे हैं, कह रहे हम नौकरी के लिए जब गए थे तो हमें ये आश्वासन था कि रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलेगा, कि हमारा जीवन अब सुरक्षित है। आज परिस्थितियां क्या है, पता नहीं कि पेंशन के पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसमें डाले जा रहे हैं, घबराहट होती है। तो हर स्तर पे आप देखिए, चाहे किसान के साथ, चाहे आदिवासी के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, हर स्तर पे झूठ का बोलबाला है। बस हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम महिलाओं का एक को स्वतंत्र बनाएंगे, ये करेंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, मोदी जी मुंह फेर लेते हैं। बार बार हमने यही देखा, हाथरस में हुआ, पलक भी नहीं झपकाए, उन्नाव में हुआ, जिसने अत्याचार किया उसको बचाया। उसके बाद ओलंपिक वाली जो हमारी मेडलिस्ट है, जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई,
जब वही लड़की सड़क पे बैठ के कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे।